प्रोडक्ट तो लाइक मेरी एक्सपेक्टेशन से बुरा मुझे नज़र आ रहा है। डिस्क्लेमर, डू नॉट कॉपी दिस। इसका प्राइस आई गेस 150 से 200। हेलो 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 गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई एम बैक विथ लॉट्स ऑफ हॉलीडेज एंड मैंने बहुत ज़्यादा गैप लिया, बट फाइनली आई एम बैक एंड आई एम बैक विद अ वेरी बैंग वीडियो। आई गॉट सो मेनी रिक्वेस्ट कि दी हमें आजियो का हॉल देखना है, आजियो का हॉल देखना है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आजियो का हॉल। एंड ऑल्सो गाइज प्लीज़ इग्नोर माई लुक, बिकॉज अभी मेरे स्टूडियो में लाइक एसी भी इंस्टॉल नहीं हुआ है एंड मैं जस्ट फैन चला के एंड उसको बंद करके शूट कर रही हूँ। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना देन प्लीज़ लाइक कर देना एंड प्लीज़ भर भर के कमेंट करना एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आपका एक सब्सक्रिप्शन ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई हैं जियो से एंड मैंने अभी तक उनको अनबॉक्स भी नहीं किया एंड दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने उनको अनबॉक्स भी नहीं किया। सो लेट्स डू इट विथ यू ऑल। सो दिस इज़ द फर्स्ट एंड सेकेंड देन थर्ड एंड देन फोर्थ। सो सारी चीज़ें इन पैकेट्स में आई हैं, लेट्स अनबॉक्स इट। दिस इज़ द फर्स्ट पार्सल आई एम गोइंग टू अनबॉक्स इट। जो सोच रही हूँ वही है या नहीं। इसमें मैंने ये एक टी शर्ट मंगाई थी एंड गर्मियों में ना सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल टी शर्ट्स ही होती हैं। लाइक अभी भी मैंने जस्ट वही डाला हुआ है बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी थी एंड एज आई टोल्ड यू मेरे स्टूडियो में एसी नहीं है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। सो दिस इज़ द टी शर्ट एंड आई गॉट दिस इन द कलर बीज एंड ये ना मैंने मेन सेक्शन से मंगाई थी बिकॉज लाइक लेडी सेक्शन में कुछ ज़्यादा अच्छा जचा नहीं मुझे। सो देन मैंने इसको देखा एंड मैंने इसको फाइनली फटाक से ले लिया। एज यू कैन सी कितना प्यारा कलर है। द टी शर्ट एंड आई गॉट इट इन द साइज एम एंड इसका मटेरियल थोड़ा सा लाइक सिल्की टेक्सचर वाला होता है ना वैसा सा है। लाइक इसमें आपके स्वेटिंग एब्जॉर्ब तो नहीं होगी बट पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल एंड वेरी लाइट वेट। सो आई रियली लाइक इट एंड इसको ना आप कई तरीक़ों से स्टाइल कर सकते हो बिकॉज इट्स अ वेरी बेसिक कलर। लाइक यू कैन गो विद अ पॉप अप शर्ट एंड बहुत तरीक़ों से आप स्टाइल कर सकते हो यार। सो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि इस गर्मियों में ना आपके पास टी शर्ट्स तो होने चाहिए ना, एक बीच कलर का टी शर्ट तो डेफिनेटली होना चाहिए। आई विल गिव इट अ बिग थम्स अप। नेक्स्ट पार्सल है ना वो ये है, चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या। मुझसे फट ही नहीं रहा है, मैं सीजर लाना भी भूल गई। तो इसके अंदर था ये ब्यूटीफुल सा टी शर्ट एंड इट इज़ एन ओवर साइज टी शर्ट। लाइक ओवर साइज टी शर्ट तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, लाइक अभी भी मैंने ये डाला हुआ है एंड ऑल्सो मेरे पास आपको बहुत सारे कलेक्शन देखने को मिलेंगे। सो अगर आपको देखना है ना मेरा कलेक्शन सो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप लोगों ने भर भर के कमेंट किया ना तो ही मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं बनाऊंगी बिकॉज फिर आप लोग देखते नहीं हो वीडियो। सो दिस इज़ द ओवर साइज टी शर्ट, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश एंड कम्फर्टेबल लगता है। ऑल्सो इसमें जो लिखा हुआ है ना लाइक लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया, पहनने के बाद इतना ज़्यादा वाइब्रेंट लगता है, इतना गॉर्जियस लगता है ना मैं क्या ही बताऊँ। लाइक मैं ट्रिप पे गई थी एंड मैंने अपनी पूरी ट्रिप पे ये टी शर्ट ज़रूर डाला था। लाइक जब मैं होटल्स में आती थी घूम फिर के एंड उसके बाद आई वॉन्टेड टू वियर समथिंग जो बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग हो, कॉम्फी हो, सो मैं बस इसी को पहन लेती थी। एंड मैंने पूरे दिन, लिटरली यू विल सी माई ब्लॉग ना, पूरे टाइम मैंने यही टी शर्ट पहना है एंड मेरे को लग भी रहा था दैट आई विल बी गेटिंग दैट कॉमेंट्स कि आपने तो एक ही टी शर्ट में पूरा लाइक पूरा ट्रिप गुजार दिया, आपके पास और कपड़े नहीं है। बट कोई और बोले इससे पहले मैं खुद ही बोल दी। मैं ना ओवर साइज टी शर्ट बहुत ही एक सेफ एंड बेटर ऑप्शन होता है। सो आई विल हाईली एंड हाईली रिकमेंड दिस टू यू। ओके क्यूटी, सो हमारा नेक्स्ट पार्सल है ये एंड इसके अंदर मुझे लग रहा है ना कि दो प्रोडक्ट्स हैं। लेट्स सी, आजियो वालों की पैकिंग इतनी लाइक ज़बरदस्त होती है ना कि ये तो ओपन ही नहीं होती है। इन्होंने तो H&M को भी पीछे छोड़ दिया है। एंड बाय द वे गाइस, H&M की वीडियो इज़ ऑल्सो कमिंग दिस वीक और नेक्स्ट वीक, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट बिकॉज आप लोगों ने बहुत ज़्यादा भर भर के पूछा था कब आएगी H&M की वीडियो। सो H&M की वीडियो भी आ रही है। एक प्रोडक्ट तो लाइक मेरी एक्सपेक्टेशन से बुरा मुझे नज़र आ रहा है एंड लुक एट द पैकेजिंग, आई कांट इवन ओपन इट, बहुत ज़्यादा इन्होंने मिक्सअप करके दिया है। बट एनी वेज आर ट्राइंग माई बेस्ट। ओके जी, सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट, द पिंक कलर का टी शर्ट है एंड आई गॉट इट इन द साइज एस एंड इसका प्राइस वगैरह क्या है ना
मैं सारा स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी क्योंकि प्राइस वगैरह लाइक मैंने सेल में परचेज किया था तो प्राइजेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, सो इस वजह से आप स्क्रीन पे देख लो। अदरवाइज मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप तो लाइक यू आर सेइंग कि ये तो 200 का है बट ये तो 400 का है। सो इट इज बेस्ड ऑन द सेल ना, लाइक जब सेल के टाइम होती है तब हम लोग ज़्यादा परचेज करते हैं बिकॉज वी हैव टू क्रिएट कॉन्टेंट, वी हैव टू मेक लॉट्स ऑफ कॉन्टेंट, सो वी नीड लॉट्स ऑफ क्लोथ्स। ओके, सो दिस इज द टी शर्ट एंड ये मुझे ना मैंने इसको जस्ट इसके कलर के लिए परचेज किया था, लाइक आई रियली लव्ड इट। एंड मेरे पास ना ऐसा पिंक कलर का कुछ भी नहीं था, दैट्स वाई आई परचेज इट। एंड एज यू कैन सी इन्होंने बड़ा सा लेबल लगा के भेजा है दैट इट इज अ स्मॉल साइज। एंड इसका जो कपड़ा है ना, लाइक इसका मटेरियल इज वेरी सॉफ्ट, वेरी कॉटनी एंड वेरी वेरी सॉफ्ट, सो काफ़ी अच्छा है गर्मियों के लिए। एंड इसको आप लाइक बाहर पहन के भी जा सकते हो, लाइक इफ़ यू आर अ कॉलेज गोइंग गर्ल, सो आपके लिए ना टी शर्ट आर द बेस्ट थिंग इन समर्स बेसिकली। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड इसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा डोंट काउंट द डेज मेक द डेज काउंट। वाओ कितनी अच्छी चीज़ मिली ना। सो आपको तो ये टी शर्ट लेना ही चाहिए एंड इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। इसको भी आप कई तरीक़ों से स्टाइल कर सकते हो इन मैनी वेज। आई स्टाइल्ड इट विथ दिस एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आई विल हाईली एंड हाईली रिकमेंड दिस टू यू। ओके क्यूटी, सो इसमें जो एक और प्रोडक्ट था ना, अब मैं उसको दिखाती हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस एंड ये ना एक लाइक ग्रीन ऑलिव ग्रीन कलर का टॉप है। लाइक मैंने जब इसको देखा था ना, आई जस्ट फेल इन लव विद दिस टॉप एंड प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छा था। ओ माई गॉड, माई कलर इज, माई हेयर कलर इज विजिबल नाउ, आई एम सो हैप्पी। ओके सो दिस इज द टॉप एंड ये भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, देखते हैं कि सच में इतना प्रिटी है या नहीं। द टॉप, ओ एम जी इट्स सो ब्यूटिफुल। एंड इसका प्राइस आप सुनोगे ना, यू विल बी शॉक कि इतने कम प्राइस में इतना अच्छा प्रोडक्ट कैसे मिल गया। लाइक इसका प्राइस था अराउंड 200 और समथिंग, उससे भी कम था आई गेस क्योंकि मैंने सेल में परचेज किया था। सो दिस इज द टॉप एंड इसका मटेरियल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है एंड इट इज़ फ्रॉम माई फेवरेट ब्रांड ऑन एजियो, लाइक फिग फिग नेट की डिज़ाइनिंग जो कि फ्रंट में दी गई है। ओ एम जी एंड इट इज़ अ डिफेक्टिव पीस। सो ये डिफेक्टिव नहीं है बट इसकी जो नेट है ना, लाइक ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, सो आई विल नॉट रिकमेंड दिस टू यू। बट अदरवाइज द फैब्रिक इज़ वेरी सॉफ्ट, लाइक जब आप इसको वेयर करोगे बहुत ज़्यादा कम्फी है, बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगी। बट द पॉइंट इज़ कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, बट द पॉइंट इज़ कि इसकी जो नेट है ना बहुत जल्दी ख़राब होगी। तो मेक श्योर अगर आप लेना भी चाहते हो देन ये चीज़ आपके हेड में क्लियर होना चाहिए कि बहुत जल्दी ये ख़राब होने वाला है। सो आई विल नॉट रिकमेंड दिस टू यू। एंड इस पैटर्न का और भी कलर्स अवेलेबल हैं बट डोंट बाय दैट बिकॉज जब आपका चलेगा ही नहीं तो लेने का मतलब क्या है। सो आई विल नॉट रिकमेंड दिस टू यू एट ऑल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्ट है वो इसमें है, लेट्स ओपन इट। आई डोंट नो वाई दिस आजियो लुक्स लाइक ओयला टू मी, मैं हमेशा कन्फ्यूज हो जाती हूँ। सो इसका ना एक बहुत ज़्यादा फनी इंसिडेंट्स है, लाइक मैं कहीं गई हुई थी एंड वहाँ पे ना मैंने लाइक आजियो का पैकेट देखा था एंड आई थॉट इट्स ओयला एंड देन मैं सोच में पड़ गई कि ओयला क्या है भाई, ऐसी कौन सी ब्रांड आ गई जो मेरे को नहीं पता। लाइक ऑब्वियसली वी आर इन्फ्लुएंसर्स सो वी शुड नो कि क्या कब नया आ रहा है मार्केट में। एंड देन आई थॉट कि ऐसा कौन सा ब्रांड आ गया जिसके बारे में मेरे को नहीं पता। एंड देन मैंने जब लाइक थोड़ा मैं आजियो के बारे में कम जानती थी उस टाइम पे एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट आजियो, देन मैंने इसको देखा ऐसे उल्टा करके तो मुझे समझ में आया कि आजियो था जिसको मैं ऑयला पड़ रही थी। इट्स नॉट ओपनिंग, दांत किस दिन काम आएंगे। नो गाइस डू नॉट कॉपी दिस, यू हैव टू ओपन दिस विद सीजर बिकॉज अभी मैं लेके नहीं आई हूँ ऊपर, तो दैट्स वाई मेरे को इशू हो रहा है, इसलिए मैंने दांत से इसको ओपन करा। अदरवाइज आप बिल्कुल नहीं करना, ऐसा लिख के आता ना डिस्क्लेमर डू नॉट कॉपी दिस। मुझे लास्ट प्रोडक्ट देना बहुत ज़्यादा क्यूट है, आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर विद यू। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल समरी वाइब्स, लाइक द फ्लावर्स एंड द प्रिंटिंग। दिस इज द टॉप एंड इट इज सो ब्यूटिफुल यार, वाओ एज यू कैन सी कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। एंड इसमें ना आपको छोटे छोटे से लाइक फ्लावर्स देखने को मिलेंगे एंड पूरे ही टॉप में फ्लावर्स हैं। एंड फ्रंट में ना आपको यहाँ पे एक बटन मिलता है एंड ये हल्का सा ऐसा कट आएगा जो कि बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है। बैक साइड में पूरा सिंपल सा है। सो फ्रंट में ना आपको इसमें तीन ऐसी लाइनिंग भी दी गई हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल सा ना लगे एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये।
एंड इसका मटेरियल ना आई गेस जॉर्जेट है. यू कैन सी नथिंग इज ट्रांसपेरेंट, लाइक इसमें एक ही लेयर है कपड़े की बट वो भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है. सो यू कैन गो फॉर दिस वन, आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू. एंड इसका प्राइस आई गेस 150 से 200 के अराउंड था. एंड अगर आप ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो ये टॉप आपके लिए एकदम परफेक्ट है एंड इट लुक्स प्रोफेशनल. सो यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन मंच के. सो हमारे सारे प्रोडक्ट्स खत्म हो चुके हैं एंड वी आर अबाउट टू एंड दिस वीडियो. बट बिफोर एंडिंग दैट आई विल लाइक टू टेल यू कि अगर आप चाहते हो कि मैं अपने वीडियोज़ में आपका नाम लूँ, सो आपको क्या करना है, सिंपली जिसके ना सबसे ज़्यादा कॉमेंट दिखेंगे मुझे ऑन माई वीडियो सेक्शन, लाइक कॉमेंट सेक्शन में, मैं उनको शाउट आउट दूंगी. सो डू कमेंट्स नाउ. ओके मंचकिन, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. एंजॉय तो किया ही होगा एंड मैं इतने दिनों बाद आई हूँ तो भर भर के इस वीडियो में प्यार बरसाना गाइस. अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी एंड थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी देन प्लीज गिव अ बिग थम्स अप टू द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट मिस टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल. मैं आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ. टिल देन स्टे सेफ, स्प्रेड लव, बाय.